और ये मुझ में भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं कभी भी कोई गैदरिंग में रहूँ और लोग अगर आगे से मुझे कॉम्प्लीमेंट दें तो मैं इसको अच्छे से ले नहीं पाती, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मेनी वुमेन। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है वीकेंड और सुबह सुबह मैंने सबसे पहले योगा थोड़ा वर्कआउट कर रही हूँ 1 घंटा, क्योंकि मुझे पता है कि आज दोपहर को कुछ ना कुछ प्लान बन ही जाएगा। यूजुअली वीकेंड में वर्कआउट मैं डेफिनेटली मॉर्निंग में करना प्रेफर करती हूँ, अनलेस आई नो कि आज वीकेंड का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि वीकेंड में अगर हमारा वर्कआउट छूट जाए तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। और अगर आपका वर्कआउट छूट जाता है वीकेंड को तो हमेशा प्रैक्टिस बना लो सुबह करने की। एंड फॉर ब्रेकफास्ट आई एम गोइंग टू एंजॉय सम बीटरूट टिक्की, जिसका रेसिपी मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऊपर होगा। बहुत ही इजी टू मेक है, आप इसको ब्रेकफास्ट में डिनर में एंजॉय कर सकते हैं। सुबह सुबह मेरे सारे हाउस होल्ड चोर्स करने के बाद आज मैंने फाइनली एक चीज़ किया जो मुझे काफ़ी साल पहले कर लेनी चाहिए थी। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, अपने लिविंग रूम के वॉल पे ड्रिलिंग किया और मेरे जो 3 यूट्यूब के प्ले बटन से, मेरा गोल्डन प्ले बटन, मेरा सिल्वर प्ले बटन, उनको मैंने फाइनली अपने वॉल पे सेट कर दिया। Okay, so finally after almost 2 years I put this up on my wall. ये मेरे इस चैनल का, हिंदी चैनल का सिल्वर प्ले बटन जो मुझे आई थिंक 4 साल पहले मिली थी, अंदर शेल्फ में थी। ये मेरे बंगाली बांग्ला चैनल का सिल्वर प्ले बटन जो भी मुझे ऑलमोस्ट 3 साल पहले मिली थी वो भी अंदर थी। और ये मेरा गोल्डन प्ले बटन इस चैनल का 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, 2021 आई थिंक मई में आया था, एंड 2023 नाउ एंड ऑफ जैन, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, 1.5 साल से ज़्यादा, ये भी अंदर था। तो अब मैंने सोचा कि यार जो अचीवमेंट है वो अंदर काहे रखना है, क्यों? इस मेरे को ना एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ये डिस्प्ले में इसलिए नहीं रखती थी, रीजन इज लोग अगर आएंगे ऑफलाइन आके, जो जिनको पता नहीं कि मैं यूट्यूब पे हूँ, वो फिर पूछेंगे, उनको फिर बताना पड़े, आई डोंट नो व्हाट, मेरा दिमाग ही खराब था। आई थिंक सबके घर में ये ऐसे ऐसे वॉल पे होता है और मेरे पास नहीं था, और मैंने सोच लिया कि अब तो है, बहुत हो गया, एंड आई एम लविंग माई वॉल। आप बताना कैसे लग रहा है ये, एंड या आई एम जस्ट सो हैप्पी। ओके, सो अभी मैं ना सारे जो प्रियार बॉक्सेस आए हैं वो मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट आई ट्राई आउट। ओके गाइस, सुबह घर पे काम काज करके मैं निकल गई हूँ बैंक पे, थोड़ा सा काम था मुझे। ओके सो क्विकली बैंक का काम निपटा के मैंने और उत्सव ने सोचा यही सामने बंजारा मार्केट है तो चलते हैं वहां पर, बहुत दिन हो गया हम गए नहीं, कलेक्शन देख आते हैं कुछ नया आया कि नहीं। बंजारा मार्केट एज वी ऑल नो यू गेट ऑल ब्यूटीफुल होम डेकोर स्टफ एट वेरी चीप रेट्स। यूजुअली वीकेंड में बहुत भीड़ होती है, पहले हमारे घर के सामने एकदम सामने था, अभी थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा अपन को, पर ठीक है देख के आते हैं, विंटर्स है, धूप अच्छी निकली है। उत्सव गाड़ी के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ स्क्रैच रिमूवर एक किट खरीद रहे हैं, पेट्रोल पंप भी मिल गया, उन्होंने अच्छे से गाड़ी पे डेमोन्स्ट्रेट किया और वो हम खरीद रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं बंजारा मार्केट में, सेक्टर 62 में है अभी ये गुड़गांव में, और वहाँ पर देखिए गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे अच्छे होम डेकोर के आइटम्स हैं और काफ़ी सस्ते रेट में मिलता है। हाँ वीकेंड में उनका प्राइस थोड़ा वो एलिवेटेड करके बताते हैं, आप चाहे तो हल्का सा बार्गेन भी कर सकते हो, और मैं रेकमेंड आपको करूँगी कि आप वीकडेज में टाइम निकाल के मॉर्निंग में चले जाओ, तब बोनी का टाइम होता है, तब वो एकदम ही रीजनेबल और अच्छे प्राइस में आपको दे देंगे सामान, और बहुत ही यूनिक ब्यूटीफुल कलेक्शन होता है। मुझे लगता है पूरा दिल्ली NCR यहीं पर आता है शॉपिंग करने, इतना अमेजिंग कलेक्शन होता है गाइस। थोड़ा बहुत शॉपिंग हो ही गया, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, सेक्टर अभी 62A में है,
बंजारा मार्केट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पीसेस का कलेक्शन है। अगर गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा कहीं भी रहते हो यहाँ पर ज़रूर आना। उस हैव गॉन टू गेट द कार, सो वी वॉट अ कपल ऑफ थिंग्स, घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। हम वापस तो आ गए और काफ़ी समय लग गया, एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया। अभी फटाफट लंच करेंगे। इतनी बड़ी मार्केट है बंजारा मार्केट सेक्टर 62 में, इतनी बड़ी है और इतनी वैरायटी, इतने सही सामान मिले हमें। मतलब हम तो इतना ज्यादा भी शॉपिंग नहीं किया, बट फिर भी कुछ कुछ घर डेकोरेशन के अच्छे अच्छे आइटम लेके आए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले इस आज जिस कॉर्नर को मैंने सजाया है उसके लिए एक और चीज, आई गॉट दिस बेंच, वी गॉट इट फॉर 1000 रुपीज। बहुत ही प्यारा अच्छा स्टर्डी बेंच है एंड कलरफुल, बहुत सही लगा मुझे। आई गॉट दिस साइड टेबल, मेरे बेड के साइड में टेबल नहीं था, सो आई गॉट दिस टेबल। इसको भी हमने 1000 रुपए में लिया है। अंदर आप सामान भी रख सकते हैं, मैं इसके ऊपर कुछ कुछ सामान अपना रख सकती हूँ इफ आई वॉन्ट टू। और ये बोल सेट भी लिया मैंने, ये मुझे बस 300 रुपीज का आया है, और कुछ प्लांट्स भी ले आई हूँ मैं घर के लिए। ऑल्सो गॉट दिस वास, 100 रुपीज ओनली। ओ और बाय द वे, आज हमने ये भी लगवाया, ये हम पेरिस जब घूमने गए थे तब ये हम लेके आए थे, सो वी ऑल्सो गॉट दिस अप। तो आज काफी आप कह सकते हैं एक तरह से होम डेकोरेशन पे हमने फोकस किया है पूरे दिन। बंजारा मार्केट में इतना टाइम लग गया सब कुछ, सो वी आई एम वेरी टायर्ड, ही इज़ वेरी टायर्ड, सो हमने सोचा कि आज हम कुछ नहीं अच्छा सा खाना ऑर्डर करेंगे कोई बढ़िया सा, और घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे। आई थिंक दैट इज व्हेन यू आर इन योर 30s, दिस इज द बेस्ट वे टू योर वीकेंड्स, घर पे यू नो आराम से कोजी। एंड आई एम गोइंग टू, वी आर गोइंग टू शेयर अ ग्लास ऑफ रेड वाइन, छोटा सा बस, दैट्स इट। दिस इज हाउ माई वॉल इज लुकिंग, और वो भी कलरफुल, काफी एड ऑन कर रहा है, अच्छा लग रहा है वो वॉल। आई कांट बिलीव कि इतने सालों तक ये तीन चीज अंदर थी शेल्फ में, दे वर नेवर आउट। सबके घर पे ये बाहर होता है, सारे यूट्यूबर जिनके पास ये है सबके पास ये बाहर होता है। एक दो दिन पहले ही मैं बैठ के सोच रही थी कि एक इतना बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए ये तीन अवार्ड, इस चैनल के लिए सिल्वर प्ले बटन, इस चैनल के लिए गोल्डन प्ले बटन, मेरे बांग्ला चैनल के लिए सिल्वर प्ले बटन, सब अंदर। रीजन क्या है? रीजन यही है कि यार ऐसे डिस्प्ले में लगाना क्या ठीक रहेगा क्या? मतलब अब लोग जब घर पे आएंगे तो पूछेंगे, जिनको नहीं पता मेरे यूट्यूब के बारे में, फिर उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ये वो, पीपल विल टॉक ओनली अबाउट मी, और विल इट बी ब्रैगिंग, विल इट बी फ्रॉड, आई हैव नो क्लू। और इफ पीपल विल थिंक इफ इट्स एक्चुअली अ बिग डील, ये ना मुझे प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है ऐसी प्रॉब्लम बहुत बहुत औरतों में, मैं पर्सनली जानती भी हूँ ऐसे औरतों को। वी डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ्स टू मच इन पब्लिक ऑफलाइन गैदरिंग्स, एंड ऑनलाइन आई एम कंफर्टेबल, आई हैव अ कम्युनिटी लाइक यू गाइज नो मी, माई वर्क वो अलग है, बट ऑफलाइन व्हेन पीपल डोंट नो मी, तो अपने बारे में ज्यादा बोलना क्या बढ़ा चढ़ा के ना बोला जाए या फ्लॉन्टिंग लगेगा क्या लगेगा, तो मैं हमेशा कम बोलती हूँ। आई प्रेफर टू इमीडिएटली आस्क द अदर पर्सन, आप बताओ, आई एम अ गुड लिसनर rather than a speaker and you know talk about my stuff, but ये क्या होता है ना, फिर आप खुद को ना एक तरह से आप खुद के काम को, खुद अपने हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हो, इसमें मैंने देखा है। और ये मुझ में भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं कभी भी कोई गैदरिंग में रहूँ और लोग अगर आगे से मुझे कॉम्प्लीमेंट दें तो मैं इसको अच्छे से ले नहीं पाती, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मैनी वुमेन, हम अच्छे से कॉम्प्लीमेंट नहीं ले पाते। अगर कोई हम कहे कि आप तो बहुत अच्छा काम करते हो, हमें पता है आपने तो इतना किया, एंड हम कहते हैं यार ये इट्स ओके इट्स नथिंग, ऐसे हम बोलते हैं, है कि नहीं? बताओ कितने लोग इससे रिलेट कर पाते हो, अभी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कितने लोग रिलेट कर पाते इससे। मैं तो ऐसी हो जाती हूँ कि हाँ नहीं नहीं अरे कुछ नहीं अरे इट्स नथिंग। अरे यार हाउ इज इट नॉट एनीथिंग, यू शुड से थैंक यू एंड यू नो यू शुड टेक दैट कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने सोचा है कि 2023 में आई विल रियली वर्क ऑन दिस थिंग ऑफ माइंड, आई विल अप्रिशिएट माई हार्ड वर्क दिस। इसके लिए इतनी मेहनत की, इतनी साल मैंने यार अपना करियर चेंज किया है, PhD एकेडमिक्स में थी, पूरा कितना लोगों का ताने वाने टॉन्डिंग वॉन्डिंग सुन के करियर ग्राफ चेंज किया था, क्योंकि आज YouTube जो है, 7 साल पहले ऐसा नहीं था YouTube, राइट? लोगों को, हम लोगों को ताने मिलते थे, टॉन्ट करते, लोग हंसते थे कि यूट्यूबर कौन बनता है, और इतना सब झेलने के बाद ये अप्रिसिएशन मिला, अवार्ड मिला, और इसको मैंने अंदर रख दिया। तो मैंने तो अब मैंने सोच लिया कि एकदम डिस्प्ले में मेरे अभी यहाँ पर रहेगा और आपको दिखेगा मेरे शॉर्ट्स में, रील्स में, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको ये दिखेगा, मुझे भी दिखेगा। मुझे भी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर ना बहुत अच्छे दिन भी होते हैं और बहुत बुरे दिन भी होते हैं, अप्स एंड डाउन रहती है, बट इनको देखूंगी तो ये मुझे मोटिवेशन और देगा कि
तुमने इतना हार्ड वर्क करके ये अचीव किया है, आगे भी सफर और भी हार्ड होगा और उसको अचीव करने के लिए दिस विल मोटिवेट मी फर्दर। एंड अगर आप में से भी ऐसे कोई है जो अंडर प्ले करते हो अपने आप को, मतलब ऑफलाइन की बात करें, सोशल गैदरिंग्स और यू नो जस्ट लाइक दैट, स्टॉप डूइंग इट, इट डजंट हेल्प। मैं ये नहीं कह रही कि फ्लॉन्ट करो जाके और बर बोले, बहुत लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा बोल लेते हैं, जो है नहीं उससे ज्यादा दिखाते हैं, वो मत करो। जो एक्चुअल है उसको एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो, और अगर कोई आके आपसे पूछे आपके काम के बारे में तो आप उसको बताओ और अच्छे से बताओ, झूठ मत बोलो, बट उसको अंडरप्ले मत करो। दिस इज माई लर्निंग एंड आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो, चाहे जितना भी छोटा काम हो बड़ा काम हो जो भी है, जस्ट एक्नॉलेज इट, अप्रिशिएट इट, टॉक अबाउट इट व्हेन पीपल आस्क, और इफ समबडी इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू अबाउट एनीथिंग, एक्सेप्ट इट ग्रेशियसली एंड डू दैट। ओके चलो अभी हम खाना ऑर्डर करते हैं उत्सव। हाँ जी ओके, देखते हैं क्या, और मुझे चाइनीज खाने का मन है, चाइनीज ऑर्डर करते हैं। ओके ओके, सो वी डिड सम ऑर्डर सम चाइनीज फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड हाउस ऑफ चाओ, काफी फेमस जगह है ये, हम यहाँ से हम सेकेंड टाइम ऑर्डर कर रहे हैं। एंड सो हियर इज आर यमी यमी यम यम डिनर। उत्सव थोड़ा बता दे क्या क्या है, राइस एंड हंस खाउसंग, नहीं नहीं समथिंग, दिस बोथ चिकन, ओके, दिस विद नूडल्स, दिस विद राइस, दैट्स कुंपाव, कुंपाव, ओके, एंड दिस इज हॉट गार्लिक, हॉट गार्लिक, या सो वन इज द नूडल्स, वन इज राइस, टू बोल्स वी हैव ऑर्डर्ड, वी बोथ आर वेरी हंग्री। तो सबसे पहले मैंने राइस लिया अपने छोटे से बोल में, और उसके बाद मैंने नूडल्स वाला डिश लिया, ट्राई मैंने दोनों ही किया, बट दोनों ही मॉडरेशन में किया। तो ये बोल वाला सिस्टम फॉलो करो, मॉडरेशन अपने आप हो जाएगा। ओके सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आज सुबह मैं आज ही वीडियो मेरे व्लॉग को एंड कर रही हूँ। कल रात को फिर मैं यू नो आई कुड नॉट व्लॉग, आई वॉज वॉचिंग वेडनेसडे, और वेडनेसडे देखते लेट हो गया काफ़ी। आई डू टेक वंस और ट्वाइस इन अ वीक, ट्वाइस तो हो ही जाता अभी भी इन अ वीक चीट मील, क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी पे नहीं हूँ। बट अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है तो आप कोशिश करें वंस ही रखें। आई रियली अर्ज एंड रिक्वेस्ट माय क्लाइंट एटलीस्ट टू हैव इट वंस अ वीक। वेट लॉस कर लो फिर आप दो कर सकते हो मैक्सिमम, बट वो भी मॉडरेशन में। तो मॉडरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं इतने सालों से 2017 से मैंने जो किया था वो अभी से मैं फॉलो करती हूँ। मतलब इवन विथ माई नॉर्मल फूड ऑल्सो, घर का खाना का वो मैं अभी भी यू नो द प्रिंसिपल ऑफ मॉडरेशन एक्चुअली कीप्स यू और मेक्स यू फेल थ्रू फॉर मोस्ट पीपल, नॉट एवरीबडी, नॉट एवरीबडी विथ एनी काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशन, बट फॉर मोस्ट पीपल इट वर्क्स ऑल्सो बिकॉज मैं वर्कआउट का जो है ना, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रैग, बट ये मेरा इतना सॉलिड रहा है, एक जो डिसिप्लिन मैंने वर्कआउट के साथ मेंटेन करवाया हुआ है ना खुद का, आई रियली वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ हैट्स ऑफ फॉर दैट। अब मेरे पास जो क्लासेस सुबह आते हैं ना करने, वो भी काफी रेगुलर हो गए, उनमें से कितने लोग कितने अच्छे भी हो गए खुद अपने वर्कआउट में। सो द पॉइंट इज रेगुलरिटी चेंजेस द बॉल गेम, इट डेफिनेटली विल चेंज योर बॉल गेम, एंड रेगुलरिटी इज द रीजन वाई योर बॉडी विल देन अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड, एंड देन यू विल नेवर गेन वेट। सो हैबिट्स बिल्ड करो एंड सिर्फ वेट के लिए चिंता ना करो। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती रहती हूँ, मेरे क्लाइंट्स को बोलती रहती हूँ, आपको मेरे साथ अपना करना है वेट लॉस जर्नी, डाइट कंसल्टेशन और वर्कआउट जो भी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सो आई एंड द वीडियो हियर, आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग, चलो बाय।